झारखंड में बालू की लूट दिखाने जब कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी कार से उतर खुद ही रिपोर्टिंग करने लगे। विधायक इरफान अंसारी रांची से जामतरा जा रहे थे तब बराकर नदी पर बालू की लूट होती दिखी, जिसके बाद उन्होंने खुद ही मोबाइल निकाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड में हो रही बालू की लूट को दिखाने लगे। उन्होंने सीएम हेमंत से कहा कि यही बालू माफिया झारखंड को खोखला करने में लगे हुए हैं। विधायक इरफान अंसारी ने सीएम हेमंत से धनबाद के एसपी और डीसी को तुरंत सस्पेंड करने की बात कही। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी लूट बिना प्रशासन की मिली भगत के नहीं हो सकती। सीएम साहब, देखिए किस तरह से बालू की लूट हो रही है। ये अभी अभी सवेरे की तस्वीर है, पुल भी टूट जाएगा। ये माफिया लोग, बालू माफिया लोग धनबाद और जामतला बॉर्डर के बीच ये बालू उतार रहे हैं। देखिए किस तरह से बालू माफिया लोग बालू तस्करी करके बंगाल भेजते हैं। हजारों हाईवा यहाँ पर, सरकार एक तरफ बालू पर रोक लगाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ देखिए आप नज़ारा देखिए, बालू किस तरह से लूटा जा रहा है। बालू झारखंड को खोखला कर दिया इन माफियाओं ने। देखिए देखिए पुल भी गिर गया है, पुल भी ध्वस्त हो गया है। ये पुल है धनबाद, और दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह नाव से बालू निकाल रहे हैं ये लोग, खोखला कर दिया है। इससे बड़ी बात और क्या सकती है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि धनबाद के एसपी और धनबाद के डीसी को तुरंत सस्पेंड कीजिए। पूरी मिलीभगत है, प्रशासन की मिलीभगत है। पूरा पुल टूट गया, देखिए धनबाद और जामतला बॉर्डर के बीच बजरा घाट पुल। मुख्यमंत्री महोदय, देखिए आप, आपसे आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय, देखिए किस तरह से लूट है। देखिए कहाँ है प्रशासन हमारा। देखिए मुख्यमंत्री महोदय, कई बार मैंने कहा इसी जगह पर मेरी गाड़ी को रोक दी गई थी। देखिए किस तरह से माफिया लोग, देखिए एकदम, देखिए शर्म आता है ये वीडियो देखिएगा तो। कहाँ है हमारा पुलिस तंत्र, कहाँ है हमारा कंट्रोल। देखिए आप सवेरे से लेकर रात तक पूरा बालू निकाल लिए, देखिए कैसे कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। सारा जामतला आ रहा उसी क्रम में जब मैं उस बजरा घाट जो धनबाद और जामतला के बीच में बड़ाक नदी पर यह पुल है, और जो मैं दृश्य देखा मुझे बड़ा अपने आप में बड़ा शर्म महसूस हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सरकार हमारी है, जल जंगल जमीन की रक्षा अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। शर्म आ रहा है मुझे इस बड़े पैमाने पर माफिया लोग, एकदम जो दृश्य था, मतलब तीन तीन चार चार हजार हाईवा, पांच पांच सौ नाव से बालू बड़ाकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है, वहां एनजीटी का रोक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाया है, फिर भी ऑफिसर लोग का इतना मन बढ़ गया है। पदाधिकारी काम करने आते हैं कि चोरी कराने आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे। ये बात सही है कि बालू का चोरी हो रहा है, बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है, तो हम लोग चुप रहेंगे। पिछले सदन में भी मैंने मांग उठाया था कि बजरा घाट में बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है। बंगाल के माफिया, बिहार के माफिया, बताइए आदिवासी का यही पहचान है, अब लूट रहे हैं। सदन में मैंने मांग किया था, मुझ पर हमला किया ये लोग माफिया लोग, हम बाल बाल में बच गया और ये लगातार चल रहा है। प्रशासन की मिली भगत है इसमें, सरकार मौन क्यों है। मैं सरकार से मांग करता हूँ आगे आइए, हेमंत जी कार्रवाई कीजिए ऐसे पदाधिकारियों पर। सरकार की छवि खराब हो रही है, हमारी छवि खराब हो जाएगी।